हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस मिलते हैं जिनकी अपने आज चर्चा करेंगे। बच्चों, ये साइमोस और रेसिमोस से हटकर कुछ स्पेशल प्रकार के फ्लॉन्ट्स हैं जो कि कुछ फैमिली के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइएंथियम इन्फ्लोरेसेंस। साइएंथियम, वर्टिसलेस्टर, हाइपेंथोडियम, ये तीन प्रकार के कुछ ये हैं स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस। बच्चों, जो साइएंथियम इन्फ्लोरेसेंस है ये यू फोरबीसी फैमिली के अंदर मिलता है। ठीक है, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो ब्रैक्ट्स हैं आपस में फ्यूज होकर कप शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। इन्वोल्यूकर्स का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स, जो सहपत्र हैं, जो ब्रैक्ट्स हैं आपस में फ्यूज होकर कपनुमा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, और कपनुमा स्ट्रक्चर के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर्स मिलते हैं। तो बच्चों, इसमें आप देखो जो फीमेल फ्लावर हैं उसका जो स्टॉक है, पेडिसल है, वो अधिक लंबा होने की वजह से कप शेप स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ आ जाता है। तो इसमें एक सिंगल फीमेल फ्लावर मिलता है और इसके आधार पर कपनुमा स्ट्रक्चर के अंदर असंख्य मात्रा में मेल फ्लावर्स मिलते हैं। फीमेल फ्लावर्स इसमें सबसे पहले मैच्योर होता है और उसके बाद में फिर मेल फ्लेवर जो फ्लावर है वो मैच्योर होते हैं। जो ये ब्रैक्ट्स हैं आपस में फ्यूज होकर कपनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनकी मार्जिन पर नेक्टर ग्लैंड्स भी मिलती हैं। नेक्टर ग्लैंड्स भी मिलती हैं, मकरंद ग्रंथियां, नेक्टर ग्लैंड्स भी मिलती हैं। तो साइएंथियम प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो यू फोरबेसी के अंदर मिलता है, जैसे यूफोरबिया, जैसे पॉइंसेटिया। अब अपने बात करते हैं वर्टिसलेस्टर की। बच्चों, वर्टिसलेस्टर जो इन्फ्लोरेसेंस है, स्पेशल टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो लेमिएसी फैमिली के अंदर मिलता है। अगर इसकी अपने स्ट्रक्चर देखें तो आपको मालूम है कि लेमिएसी फैमिली जैसे तुलसी, जैसे मरुआ, ठीक है, अगर इनकी आप स्ट्रक्चर देखें तो इनका जो स्टेम है, स्टेम के दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में पत्तियां निकलती हैं, और जो लीव्स हैं, लीव्स के एक्सिस से जो फ्लावर हैं वे एराइज होते हैं। ठीक है, तो बच्चों, इसकी एक जो मेन विशेषता यह है कि जो फ्लावर हैं वे पहले डाइकेजियल होते हैं। जो फ्लावर हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है? पहले डाइकेजियल साइम होते हैं और फिर डाइकेजियल साइम ऑटोमेटिक चेंज इनटू मोनोकेजियल स्कॉर्पियोइड में चेंज हो जाते हैं। डाइकेजियल साइम का क्या मतलब है? ये एक फ्लावर है जो पेड्यूंकल है, उसके टिप पर, टर्मिनल एंड पर एक फ्लावर लगा रहता है। ठीक है, तो ये है साइमोस प्रकार का, इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है, तो ये है साइमोस प्रकार का। अब इसके बेस से डाइकेजियल फ्लावर निकलते हैं वन, और दोनों तरफ आधार भाग से दोनों तरफ ब्रांचिंग होती है। ठीक है, और फिर ये चेंज किस में हो जाता है? मोनोकेजियल स्कॉर्पोइड के अंदर। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था हेलिकोइड और स्कॉर्पोइड स्ट्रक्चर। तो वर्टिसलेस्टर की जो मुख्य विशेषता यह है कि डाइकेजियल जो साइमोस है वो चेंज किस में हो जाता है? मोनोकेजियल स्कॉर्पोइड के अंदर। ठीक है बच्चों, वर्टिसलेस्टर जो मिलता है लेमिएसी फैमिली के जो कुछ मेंबर हैं, जैसे ऑसिमम, जैसे साल्विया, इनमें ये खूब मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम बच्चों, जो ब्रैक्ट्स हैं वे कपनुमा फ्लासकनुमा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, और फ्लासकनुमा स्ट्रक्चर के अंदर मेल और फीमेल और स्टेराइल तीनों प्रकार के ही फ्लावर्स मिलते हैं। जो मेल फ्लावर हैं वे
ऑस्टियोल जहाँ इसका द्वार होता है, रंध्र होता है, मेल फ्लावर ऑस्टियोल की तरफ मिलते हैं और बेस में क्या मिलते हैं, फीमेल फ्लावर। दोनों ये जो फ्लासिक नुमा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर दोनों प्रकार, तीनों प्रकार के ही फ्लावर्स मिलते हैं, मेल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स और न्यूट्रल फ्लावर्स। तो बच्चों हाइपेंथोडियम जो स्पेशल टाइप की जो इन्फ्लोरेसेंस है वो किसमें मिलते हैं, फाइकस की जितनी भी स्पीसीज हैं उसमें हाइपेंथोडियम प्रकार के स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस मिलते हैं, जैसे बनियान का पेड़, पीपल, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़। ये फाइकस की कुछ स्पीसीज हैं जिनमें हाइपेंथोडियम स्पेशल प्रकार के जो इन्फ्लोरेसेंस हैं वो मिलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हैं, साइएंथियम, वर्टिसलेस्टर और हाइपेंथोडियम। बच्चों एग्जाम के अंदर डायरेक्ट स्पेशल टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं आपसे।